प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। तो हमने लास्ट मंथ में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। कोरल ड्रॉ का जो टूल बॉक्स था वो कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय व्यू मोड्स। कोरल ड्रॉ में व्यू मोड से आप क्या समझते हैं, उनसे आपका क्या अभिप्राय है। कोरल ड्रॉ प्रोवाइड डिफरेंट मोड्स टू व्यू ड्रॉइंग आर। तो कोरल ड्रॉ में ड्राइंग को व्यू करने के लिए, ड्राइंग को देखने के लिए इसमें अलग अलग तरह के मोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मोड है सिंपल वायर फ्रेम। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे 7 मोड्स मैंने दिखाए हुए हैं। इनमें से जो रेड कलर के सारे मोड्स हैं, ये सारे मोड्स, ये जो एडवांस वर्जन है कोरल ड्रॉ का 2020, इसमें ये सारे मोड्स दिए हैं। और बाकी सारे के सारे मोड्स ये जो हैं सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट हो गया, एनहांस विद ओवर प्रिंट, ये सारे मोड्स वहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है। ये सारे मोड्स जो ब्लू कलर में हैं, ये सारे मोड्स थे कोरल ड्रॉ 13 के अंदर, ठीक है। अब कोरल ड्रॉ एडवांस आया हुआ है तो सारी की सारी फैसिलिटी इनके अंदर ही डाल दी है, इन्हीं मोड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में पूछते हैं तो यहाँ से ही लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मोड है सिंपल वायर फ्रेम। दिस मोड विल डिस्प्ले द आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग। अब ये जो सिंपल वायर फ्रेम मोड है, ये हमें डिस्प्ले करेगा जो भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस हैं, उसकी जो ऑब्जेक्ट की बाहर की जो लाइंस होंगी ड्राइंग में, उनको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और सेकंड मोड है वायर फ्रेम। दिस मोड विल डिस्प्ले द आउटलाइंस, आउटलाइंस भी दिखाएगा ऑब्जेक्ट की, कॉन्टूर्स, उसकी जो रूपरेखा है उसको भी दिखाएंगे, एंड ब्लेंड्स, और उसके बीच में जो भी मिश्रण, ब्लेंड्स बोलते हैं उसका मिश्रण जो होता है, यानी कि चाहे वो कलर्स हैं चाहे वो लाइन्स हैं, ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वायर फ्रेम मोड हमें दिखाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वायर फ्रेम मोड से। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ का वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मैंने कोरल ड्रॉ को ओपन करके रखा हुआ था, ठीक है। तो जिन व्यू मोड्स के बारे में बात कर रहा था, सारे के सारे मोड्स जो है वो यहाँ पे व्यू मेनू के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। वायर फ्रेम, नॉर्मल, एनहांस्ड और पिक्सल्स मोड, ठीक है। तो इन मोड्स को प्रैक्टिकली करने से पहले मैं कुछ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। उनके ऊपर इनको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको एक वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम और ये फाइव टाइम मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कर देते हैं कलर, रीफिल कर देते हैं। मैंने पिक टूल लिया और पिक टूल से इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया और बीच में हम भर देते हैं इसके अंदर कलर, ठीक है। इंटरेक्टिव फिल कर देते हैं और इंटरेक्टिव फिल के लिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भरते हैं, ठीक है, ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें कर दिया, फिल कर दिया कलर, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे एक इमेज भी ड्रॉ कर देता हूँ। इमेज को हम फाइल मेनू से यहाँ पे इम्पोर्ट में जाकर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट में जाके मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को रखा हुआ है। यहाँ से ये वाला पिक्चर, हम यहाँ से ये पिक्चर ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक तो बिट मैप इमेज हो गई और दूसरी जो है वो वेक्टर इमेज हो गई, ठीक है। हम दोनों इमेजेस के ऊपर हम दोनों को अप्लाई करके देखेंगे। मैंने दोनों पिक्चर्स को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मतलब सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू मोड में जाके मैं पहले वायर फ्रेम मोड अप्लाई करके देखूँगा, ठीक है। तो ये वायर फ्रेम मोड, इसकी जो कलरिंग है वो भी हट गई, इसकी जो थी, इसके जो भी सियान मैजेंटा, जो भी आरजीबी कलर थे वो भी हट गए हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की वायर्ड, ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे तो जो भी है इसको मुझे जूम करना पड़ेगा देखने के लिए, लेकिन कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की जो भी ग्रिडिंग है, वायर्स हैं, मतलब उनको डिस्प्ले करेगा हमारा वायर फ्रेम मोड, ठीक है, फ्रेम की जो भी वायर्स हैं। तो ये था हमारा वायर फ्रेम मोड। अब चलते हैं अपने सेकंड मोड के ऊपर। नेक्स्ट है ड्राफ्ट मोड। दिस मोड विल डिस्प्ले द ड्राइंग इन लो रेजोल्यूशन। अब ये जो ड्राफ्ट मोड है, ये इमेज को लो रेजोल्यूशन में, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लो रेजोल्यूशन में डिस्प्ले करेगा। लेकिन ये ड्राफ्ट मोड यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। ये देखो व्यू मोड में ड्राफ्ट मोड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पे नॉर्मल मोड है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है ये नॉर्मल, ठीक है।
दिस मोड विल डिस्प्ले द ड्रॉइंग इन हाई रेजोल्यूशन विद रफ एजेस। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल मोड है, जो नॉर्मल मोड में हमारे ऑब्जेक्ट थे उसी में इसको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नॉर्मल मोड, तो इनको फिर से हम यहाँ पे जाके व्यू पे जाके नॉर्मल मोड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे था ये नॉर्मल मोड में वैसे ही आ गया, तो ये हमारा नॉर्मल मोड था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मोड की ओर। नेक्स्ट मोड है हमारा एनहांस्ड। एनहांस्ड मतलब बढ़ाना। दिस मोड विल ऑल्सो डिस्प्ले द ड्रॉइंग इन हाई रेजोल्यूशन बट विथ स्मूथ एजेस। ठीक है, अब ये जो मोड है एनहांस्ड, ये क्या करता है, हमारी जो ड्रॉइंग होगी उसको हाई रेजोल्यूशन में दिखाएगा, यानी कि हाई क्वालिटी में दिखाएगा, बट विथ स्मूथ एजेस, और उसकी जो एजेस होंगी वो बिल्कुल स्मूथ होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, अब इसको हम यहाँ से जाके व्यू से जाके एनहांस्ड को सिलेक्ट करके देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आता है, थोड़ा सा इसमें जो इसका जो रेजोल्यूशन है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि इनलार्ज करेंगे इमेज को तो उसकी क्वालिटी वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये एनहांस्ड मोड है। एनहांस्ड के बाद आता है हमारा एनहांस्ड विद ओवर प्रिंट। ये इसकी तरह ही है, इसलिए इसको हटा दिया था यहाँ से। ठीक है, दिस मोड विल डिस्प्ले द ड्रॉइंग इन हाई रेजोल्यूशन विद स्मूथ एजेस एंड ऑल्सो शो हाउ कलर विल अपीयर। ठीक है, ये भी सेम इसकी तरह था, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, और सेवन पे आता है हमारा पिक्सल्स मोड। ठीक है, अब पिक्सल्स व्यू अलाउ यू टू जूम इन ऑन एन एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो पिक्सल मोड है ये हमें अलाउ करता है कि ऑब्जेक्ट को हम जूम करेंगे। ठीक है, उसका जो भी एरिया है, उसके जो भी एरियाज के अंदर हमें पिक्सल डिस्प्ले होगा। मान लो कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के पिक्सल्स के ऊपर काम करना है, तो ये पिक्सल मोड के ऊपर हम आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, देन पोजीशन एंड साइज द ऑब्जेक्ट मोर प्रिसीसली, और ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन और उसका साइज है उसको भी मोर प्रिसीसली, यानी कि अच्छे से हमें डिस्प्ले करेगा, और उसके ऊपर जो हम काम करेंगे वो भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आते हैं सारे के सारे जब हम एनिमेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक एक पिक्सल पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पिक्सल मोड उसके लिए है। अब यहाँ पे हम इसको व्यू में जाके पिक्सल मोड के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब पिक्सल मोड में जैसे मान लो हम इसको जूम करेंगे, तो इसके जो भी पिक्सल्स हैं ना, ये देखो यहाँ पे इमेज के, ये देखो ये सारे के सारे पिक्सल्स हमें डिस्प्ले करेगा। लेकिन इन पिक्सल के ऊपर हम तभी काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे हम इस पिक्चर को पूरा स्कैटर कर देते हैं और एक एक पिक्सल को खींच के इस तरह से इमेज को थोड़ा सा हमने रिसाइज करना या कुछ भी इमेज के ऊपर काम करना, एनिमेशन बनाना, वो सारे काम जो है इस मोड के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कोरल ड्रॉ के व्यू मोड्स। अब चलते हैं कोरल ड्रॉ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी व्यू ड्रॉइंग पेज इन फुल स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम कोरल ड्रॉ में ड्रॉइंग पेज को फुल स्क्रीन के ऊपर कैसे देख सकते हैं, कैसे व्यू कर सकते हैं। तो वी कैन व्यू ड्रॉइंग पेज इन फुल स्क्रीन बाय प्रेसिंग F9 की। ठीक है, तो F9 की से हम ड्रॉइंग पेज को फुल व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। ये जो ड्रॉइंग पेज है इसको फुल स्क्रीन पे देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F9 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे F9 डायरेक्ट की चल पड़ती है, लेकिन लैपटॉप है तो फंक्शन की प्रेस करनी है साथ में और F9, तो हमारी जो ड्राइंग है वो फुल स्क्रीन पे व्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए है ये। एग्जिट के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे और ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि हाउ कैन वी क्रिएट आर ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ। हम कोरल ड्रॉ में ड्राइंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज इन कोरल ड्रॉ टू क्रिएट अ ड्रॉइंग। तो कोरल ड्रॉ में यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं ड्रॉइंग को क्रिएट करने के। फर्स्ट है बाई यूजिंग अ ब्लैंक पेज, पहला बाई यूजिंग ब्लैंक पेज, एंड सेकेंड बाई यूजिंग टेम्पलेट, और सेकेंड जो है वो हम रेडीमेड टेम्पलेट पहले से बने बनाए डिज़ाइन है उनका यूज करके ड्रॉइंग बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया बाई यूजिंग ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में हम क्या करते हैं कि टू क्रिएट अ ड्रॉइंग बाई यूजिंग ब्लैंक पेज, बट द स्टेप्स आर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम से क्लिक करेंगे, कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे और कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कोरल ड्रॉ में ओपनिंग डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर होगा, वहाँ पे जाके हम न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन और भी हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एन, यानी कि कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तब भी न्यू पेज आ जाएगा। और इसके अलावा जाकर कोरल, यहाँ तो ऐसा बताया हुआ कि जब हम कोरल ड्रॉ को शुरू करते हैं ना, शुरू जब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन देता है कि ब्लैंक पेज से करेंगे या टेम्पलेट से ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो
ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोरल ड्रॉ को बंद क्यों करना, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो सेम वैसे आएगा, यानी कि स्टार्ट जब करते हैं तो ये दो ऑप्शन आती है हमारे पास, ये तो बाय यूजिंग न्यू, और सेकंड आता है कि न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू करेंगे तो एक ब्लैंक पेज ही बोलेगा कि ब्लैंक पेज पे बनाना है, तो सिलेक्ट करो, यहाँ पे लेटर साइज पेज लिया और यहाँ पे हमने इसका नाम रखा, जैसे मान लो हमने कोई लोगो बनाना है, लोगो फॉर माई कंपनी, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये लिखा और बाकी ओके कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग ब्लैंक पेज, तो ड्राइंग कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लैंक पेज, यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। और सेकंड है कि रेडीमेड डिजाइन पड़े हुए हमारे पास बाय यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट को भी यहाँ पे हम सिंपल फाइल पे जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बने बनाए डिजाइन आ जाएंगे। उसमें हम क्या करना है, सिंपल एडिटिंग ही करनी है, जैसे मान लो ये सिलेक्ट कर लिया हमने, डबल क्लिक किया और ये हमारे पास डिजाइन यहाँ पे आ गया। ये बस यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें एडिटिंग ही करनी होती है, फ्यू वॉच डे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जानवी, ठीक है। तो इस तरह से हम, हमारे पास रेडीमेड भी है लेकिन सबसे बढ़िया रहता है हमारे पास न्यू, ठीक है। इसमें हम खुद बनाते हैं, ये तो पहले से बने बनाए हैं, मैं पिक्चर भी चेंज करना पड़ेगी, ठीक है, तो इससे अच्छी ऑप्शन रहती है हमारे पास न्यू वाली। ये भी अच्छे रहते हैं लेकिन इसके लिए मान लो हमने एफिडेविट बनाना है या पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट पे मिलते हैं सारी की सारी डिज़ाइन, बस क्लिक किया, एडिटिंग की और फटाफट हमारा जो भी लोगो है तैयार हो गया, एनिमेशन तैयार होगी, कुछ भी हमने बनाना है, ठीक है। तो नेट के ऊपर भी अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, जिनको हम प्लगइन भी बोलते हैं और प्रीसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हाउ कैन वी क्रिएट ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ, तो दो तरीकों से, दो मेथड से हम ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ब्लैंक पेज और बाय यूजिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाउ कैन वी सेव अ ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ, हम कोरल ड्रॉ में ड्राइंग को कैसे सेव कर सकते हैं। द स्टेप्स टू सेव अ ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ आर, ठीक है, अगर ड्राइंग को हमने कोरल ड्रॉ में सेव करना हो तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर लो या फिर क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, सेव एज पे जाएंगे, इन द फाइल नेम बॉक्स स्पेसिफाई अ नेम फॉर द ड्राइंग एंड द फाइल एक्सटेंशन विल बी डॉट सी डी आर। जैसे एम एस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, एक्सेल में डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, सेम वो वैसे ही मैथड है इसको सेव करने के लिए, ठीक है। वी कैन ऑल्सो चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम सेव एज लिस्ट, हम इसका सी डी आर होता है डिफॉल्ट, ठीक है, कोरल ड्रॉ, सी डी आर स्टैंड फॉर कोरल ड्रॉ। उसके अलावा हम इसका और भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जे पी जी में करना हो, जी आई एम में करना हो, ठीक है, एनिमेशन के लिए जी आई एम में करते हैं हम, ठीक है। सिलेक्ट द कंप्यूटर ड्राइव एंड क्लिक सेव, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये ड्राइंग हमने सेव करनी है, तो सेव पे गए, सेव एस पे गए, सेव एस पे क्लिक कर लो, चाहे मेथड वही है सेम, यहाँ पे लोगो फॉर माई, या तो ये विशिंग कार्ड है तो इसके लिए विशिंग ही लिखते हैं, विशिंग कार्ड, ठीक है, विशिंग कार्ड। और यहाँ पे ऐप ड्राइव में जाके मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के इसके अंदर इसको सेव कर दिया। और बात कर रहे थे हम सेव एज टाइप की, ये देखो सारे सेव एज टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पीडीएफ में कर लो, एडोब इलस्ट्रेटर में कर लो, ठीक है, सीडीआर में करो, चाहे यहाँ पे पीडीएफ है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स भी है, एसवीजी फॉर्मेट भी है, ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में इसको हम जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जीआईएफ में भी कर सकते हैं, जो एनिमेशन होगी वो जीआईएफ में होगी, यहाँ पे नहीं है वो वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो सी डी आर सेलेक्ट करके, यानी कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें, अगर बाद में हमें एडिटिंग करनी हो तो अभी हम सी डी आर फॉर्मेट में इसको सेव करके रखते हैं, अगर कोई भी एडिटिंग नहीं करनी तो पी डी एफ में कर लो, ठीक है, और सेव। तो ये मेथड है सेव करने के लिए, सेम जैसे एम एस ऑफिस में करते हैं और बाकी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनमें करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हाउ कैन वी सेव अ ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ। उसके बाद आता है कि हाउ कैन वी ड्रॉ अ शेप इन कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में किसी शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ वेरियस शेप्स इन कोरल ड्रॉ सच एज रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार्स एंड एरोज बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। और एक हम कोरल ड्रॉ में हम तरह तरह की शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्टार हो गए और एरो हो गया बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके लिए सिंपल है, टूल बॉक्स में हमारे पास दिए हुए हैं कि क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल इन द टूल बॉक्स, यहाँ पे मैं एक ही टूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल इन द टूल बॉक्स, क्लिक एनी वेयर इन द ड्रॉइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर, नाउ रिलीज द माउस बटन वेयर यू एंड द रेक्टेंगल, सिमिलरली वी कैन ड्रॉ अदर शेप्स, ठीक है। तो
सिंपल से है कि कोरल ड्रॉ में हम क्या करेंगे कि वी कैन क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, क्लिक किया एंड मूव द माउस ऑन द ड्रॉइंग पेज एंड प्रेस द माउस लेफ्ट बटन, ड्रैग एंड रिलीज द माउस बटन। तो इस तरह से जो है हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, रेक्टेंगल करो, सर्कल करो, ठीक है। सर्कल के अंदर एलिप्सिस हैं, इसके अंदर ये देखो पॉलीगोनल स्टार है, स्पायरल है, जो मर्जी करना है कर लो यहाँ से जो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम शेप्स को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं ड्राइंग पेज के अंदर। कोई मुश्किल मेथड नहीं है, आसान सही है प्रोसेस सारा, ठीक है। तो ये था कि हाउ कैन वी ड्रॉ अ शेप इन कोरल ड्रॉ। उसके बाद आता है कि हाउ कैन वी एंटर टेक्स्ट इन कोरल ड्रॉ। देयर आर टू वेज टू क्रिएट टेक्स्ट इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है पैराग्राफ टेक्स्ट और सेकेंड है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक है। ये एग्जाम के एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरल ड्रॉ में हम टेक्स्ट को कैसे एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पैराग्राफ टेक्स्ट। क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स टूल इन द टूल बॉक्स एंड ड्रॉ ऑन पेज एंड स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। वी कैन ऑल्सो एड पैराग्राफ टेक्स्ट इन साइड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोले कि अगर हमने पैराग्राफ में टेक्स्ट को टाइप करना है टूल बॉक्स के अंदर, जैसे न्यूज़पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये पैराग्राफ में, कि कोरल ड्रॉ में ये तो फैसिलिटी है कि कहीं पे भी ड्राइंग पेज पे क्लिक करो और लिखना शुरू कर दो। क्लिक द टेक्स्ट टूल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिक द टेक्स्ट टूल इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जो टेक्स्ट टूल दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो और ड्रॉ कर दो पेज के ऊपर और लिखना शुरू कर दो पैराग्राफ में। वी कैन ऑल्सो एड पैराग्राफ इन टेक्स्ट इन साइड एनी ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर भी पैराग्राफ में टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड मेथड है कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, क्लिक एनी वेयर ऑन द पेज, पेज में कहीं पे भी क्लिक कर दो और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक नया और खाली पेज ले लेता हूँ, न्यू टेम्पलेट नहीं लूँगा मैं, रेडीमेड नहीं लूँगा यहाँ से, ठीक है। ये ले लिया हमने पेज यहाँ पे, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से जूम, ठीक है। जूम करने के बाद ये देखो ये है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल, टूल बॉक्स में यहाँ पे टेक्स्ट टूल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉ किया और ये यहाँ पे हमने शुरू कर दिया लिखना। ठीक है, ये अगर हमने पैराग्राफ में लिखना हो तो उसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दिया पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ के लिए। और सेकंड मेथड है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक में देखो मान लो कि पेज में हमने जैसे अखबार में लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे हमने सीधा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। और साइज़ अगर हमने इसका कम करना हो तो इसका साइज़ भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ पे रहेगा साइज़ कम करने के लिए, ये 10 कर दिया मैंने साइज़, इसका जो साइज़ है वो 10 करके न्यूज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और इसके बीच जैसे मर्जी लिख दो, और जैसे मान लो हमने इमेज डालनी हो तो इमेज डालने के लिए फाइल में जाके इंपोर्ट पे गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम पैराग्राफ को एडिट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाली फैसिलिटी जो है एमएस वर्ड में नहीं है, तो तभी हम यहाँ पे इसको कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर की एडिटिंग के लिए, ठीक है। चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, हिंदी में करना हो तो इसके लिए हिंदी वाली ऑप्शन यूज़ कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है ना यहाँ पे, तो ठीक है। हिमाचल हिंदी में करना तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करो, पंजाबी में करना है पंजाबी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पैराग्राफ टेक्स्ट और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाउ कैन वी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में हम ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन। विद द हेल्प ऑफ पिक टूल वी कैन सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ड्रॉइंग पेज। वी कैन सेलेक्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड कैन ऑल्सो सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टूगेदर बाई डबल क्लिक ऑन पिक टूल, ठीक है।
inside the toolbox. ठीक है, with the help of pick tool we can select any object. तो यहाँ पे मान लो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया या एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब इनको अगर हमने सेलेक्ट करना हो, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना हो, तो उसके लिए है पिक टूल. ठीक है, अगर सारे सेलेक्ट करने इकट्ठे ना, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबको सेलेक्ट कर लेता है इकट्ठे. लेकिन मान लो इकट्ठे सेलेक्ट नहीं करने हैं, एक ही इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है हमने. ठीक है, तो उसके लिए इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक किया, ये करना है तो इसके ऊपर, जिसके ऊपर काम करना है. ठीक है, तो ये मेथड है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का. तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी थे, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद, जय हिमाचल.